हेलो हेलो हेलो
Good evening, everyone. A very good evening to all of you. I guess you can hear, you can listen to me and you can see the slide as well. If yes, respond me over the chat box so that we can start our session. Come on. Thank you. So today, what we're going to go through is permutation and combination. Observe here, permutation and combination. Do bade bade naam hai. अगर एक तरीके से सोचने जाओ तो ये नाम बड़े हैं, लेकिन इनका सिंपल लॉजिक ये होता है दैट परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। मतलब आप इन दोनों बड़े बड़े नाम्स को सिंपल ऐसा भी कह सकते हो कि व्हाट वी आर लर्निंग इज अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, नथिंग एल्स। ठीक है, सो अगर मैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूं, पहले तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है उसके फॉर्म में। लेट्स से यहाँ पे तीन बच्चे हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, अब मैं ऐसा कहता हूं कि हमारे पास दो रूम्स है, एक रेड रूम है और एक ब्लू रूम है। इन दो रूम्स में मैं इन तीन बच्चों में से किन्हीं दो बच्चों को सेट करना चाहता हूँ, तो मैं कितनी अलग अलग तरीके से रूम बच्चों को सेट कर सकता हूँ। सिंपल क्वेश्चन, इन तीन में से किन्हीं दो बच्चों को लेके मैं इन दोनों रूम में सेट करना चाहता हूं, देन हाउ मेनी डिफरेंट वेज आई हैव। सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना? ध्यान से देखना, यहां पे ए आ गया, यहां पे बी आ गया। अच्छा, यहां पे बी और यहां पे ए, आर दीज टू डिफरेंट थिंग्स? यस, राइट, बिकॉज ए का रेड रूम और बी का ब्लू रूम, बी का रेड रूम और ए का ब्लू रूम, समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, सो ऐसे सोचूंगा तो मेरे हिसाब से मेरे पास टोटल 6 ऑप्शन आएंगे। यस, ए बी, ऑब्जर्व दिस, बी ए, ए सी, सी ए, बी सी, सी बी। यहां तक समझ आया? हाँ या ना? I can arrange 6 in different 6 ways. ठीक है ना? Done? Understandable? हाँ जी सर। चलिए। So now, in total 6 ways, I can arrange 2 things out of 3 things. Again, read it carefully. I can arrange 2 things out of 3 things in 6 ways. ठीक है ना? This is called arrangement. A को यहाँ डाला, B को यहाँ डाला। A को यहां डाला, C को यहां डाला। This is what, this is arrangement. Next concept. मान लो मेरे पास एक ही रूम है, रेड रूम। इसमें से, इस रूम के मुझे इन तीन में से इन तीन में से किन्हीं दो बच्चों को बिठाना है, तो मैं कौन से अलग तरीके से बिठा सकता हूं? इन तीन में से किन्हीं दो को इस रूम में डालना है, बताओ कौन से अलग तरीके हैं, कितने तरीके आएंगे? सर इस बार आई गेस 3 तरीके ही आएंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। यानी कि या फिर मैंने ए और बी को रूम में डाला, या फिर बी और सी को डाला, या फिर ए और सी को डाला। सो लॉजिकली थिंकिंग, इसमें ए और बी और बी और ए अलग अलग नहीं होंगे, बिकॉज अल्टीमेटली तो एक ही रूम में जाना है। So this is called, in this way, I can select 2 things out of 3 things. ठीक है, this is called selection. So अगर आप logically देखें तो ये आपका arrangement हुआ जिसे हम permutation कहते हैं, ये आपका selection हुआ जिसे हम combination कहते हैं। Easily understandable things. आगे बढ़ते हैं। And let's also try to understand that परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज कैसे होता है। सो लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग फॉर परम्यूटेशन, जहां पे P आता है, वी यूज P एंड वी ऑल्सो ट्राई टू अप्लाई द इक्वेशन एन पी आर। वॉट डज दिस स्टेट? N चीजों में से R चीजों को परम्यूट यानी कि अरेंज करना। सिंपल मतलब अगर मेरे पास N चीजें है, उनमें से R चीजों को मुझे अरेंज करना है, तो मैं परम्यूटेशन करूंगा, बिकॉज परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट है। तो वो मैं कितनी तरीके से कर पाऊंगा? दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, जो कि लिखा है।
एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे केस में तीन चीज, तीन बच्चों में से दो बच्चों को लेके जब अरेंज करना था तो अलग अलग रूम्स में, तो छह आंसर आया था, तो ऐसे ही आता ना। अब कॉम्बिनेशन की बात करें तो सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे हम एनसीआर यूज करते हैं, ऑब्जर्व। एन चीजों में से आर चीजों को कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्ट करना, वो इतनी तरीके से हो पाएगा। अगर हमारे केस में देखे तो तीन में से किन्हीं दो बच्चों को सिलेक्ट इतनी तरीके से हम कर पाए, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया मैंने, आंसर आया थ्री, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। सो दिस इज द वे यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीआर एनसीआर विच इज नथिंग बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बताइए क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड और रूल्स समझते हैं। मान लो मुझे अहमदाबाद से वडोदरा जाने के लिए मेरे पास तीन रास्ते हैं और वडोदरा से मुंबई जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। एज यू कैन सी वन टू एंड थ्री, यहाँ पे वन एंड टू, तो टोटल अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते होंगे? हाउ मेनी वेज कैन वी ट्रेवल फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई? नाउ फॉर दैट इफ आई स्पेसिफिकली स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि टू रीच फ्रॉम अहमदाबाद टू वडोदरा आई हैव थ्री वेज, एंड बिकॉज माय जर्नी इज स्टिल नॉट ओवर, यू सी माय जर्नी इज येट नॉट ओवर, सो आई स्टिल हैव टू ट्रेवल फ्रॉम वडोदरा टू मुंबई। नाउ टू ट्रेवल फ्रॉम अहमदाबाद टू वडोदरा आई हैव थ्री वेज, एंड to travel from Vadodara to Mumbai, I have two ways. So total how many ways I have? Three and two. That is three into two, six. So point ये है कि जहां end आता है वहां आपका multiplication आएगा, याद रखना इसे। Now let's observe one more thing. Let's say अहमदाबाद से Vadodara जाने के लिए मेरे पास दो railways है और तीन roadways है। In how many ways I can travel from Ahmedabad to Vadodara? Five. इसमें तो ज्यादा सोचने वाला एक बात नहीं है ना, कैसे समझना। सो अब मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा, टू ट्रेवल फ्रॉम अहमदाबाद टू वडोदरा आई कैन यूज टू रेलवेज और थ्री रोडवेज, सो और आया वहां प्लस आएगा। दिस इज कॉल्ड एंड और रूल्स। एंड की जगह हमेशा मल्टीप्लीकेशन आता है और की जगह हमेशा एडिशन आता है, याद रखना इसे। देयर यू कैन ऑब्जर्व। सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं, बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
राइट, इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इज टू बी गिवन, ठीक है, तो ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है, हम इसमें क्या सोचेंगे दैट टू मेक द रजिस्ट्रेशन नंबर वी हैव टू सिलेक्ट एन, फॉर एन हाउ मेनी नंबर्स वी हैव, 1 to 9, दैट इज 9 डिजिट्स वी हैव, फॉर हैश व्हाट आई हैव अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड, दैट इज आई गेस 26, फॉर दिस हैश ऑल्सो 26, फॉर दिस हैश ऑल्सो 26, नाउ लेट्स से फॉर एक्स, एक्स के लिए मेरे पास क्या है, आई हैव 0 to 9 डिजिट्स, राइट, 0 to 9 डिजिट्स, सो दैट इज 10 ऑप्शंस आई हैव, एंड फॉर एट द रेट आई कैन हैव एनी इवन डिजिट्स, इवन डिजिट्स आर 0 to 4, 6, 8, दैट इज 5. Now, to form this number, I can say something like this. I can choose n in 9 ways and hash in 26 and hash in 26 and something like this. Easy example to understand. इसका आंसर क्या आएगा बता सकता है कोई? How many 3-digit numbers are there whose all digits are distinct? Okay, so 1, 2, 3. ऐसे approach कर सकता हूँ मैं, ठीक है? Now to make a 3-digit number, बात समझना, I have to use all 3 digits. पहले मैं 0 to 9 कुछ भी ले सकता हूँ? नहीं सर, आप 0 नहीं ले सकते. अगर आप पहला digit 0 लेते हो, that does mean that आप 2-digit का number बना रहे हो. So you cannot take 0 as a first digit. So you have 1 to 9 option for this digit, that is 9. And you might have selected any one number from this, which you cannot select here because you need numbers whose all digits are distinct. Distinct matlab alag alag, jo same nahi hota. In that case, from 0 to 9, you actually had 10 choices here. But as you have selected one from this, now you have only 9 choices. And here one lesser, that is 8 choices. This is the way you have to think, and hence your answer would be 648. इजी एग्जांपल से थोड़ा बाहर आता है, और ये वाला एग्जांपल मतलब ये भी इजी है वैसे, लेकिन ट्राई करो, कम ऑन क्विकली. सो दीज आर गुड एग्जांपल्स, एप्टीट्यूड
के फ्रंट पे सोचेंगे आप तो ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। Exactly. The most common answer is 32, which is wrong. I knew, right? So, how many even numbers less than 1000 can be made from the digits 2, 3, 7, 8? Now, if you observe, less than 1000 मतलब 3 digit के number होंगे. Even number के लिए मुझे यहाँ पे I can take either 2 or 8. So, I have 2 options here. And यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ. And यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ. That gives me 32. Sir, sahi to hai? Wrong. Can I make a 2-digit number? Can I make a 1-digit number? I'm just talking about numbers which are less than 1000. So here, I can make a 3-digit number or a 2-digit number or a 1-digit number. Here also, I have 2 options. Here 4. Here I have 2 options. This is 8 and this is finally 2. When you add all of this, you get 42. Default repetition allowed होता है. जब numbers की बात हो रही हो और आपको कुछ specifically नहीं दिया जाए तो repetition default में allowed होता है. ठीक है? NPR, NCR के shortcuts तो हमें पता ही है. अगर 10P3 ढूंढना है, we can simply do 1098. 10C3 ढूंढना है, we have to do 1098 upon 321. ठीक है ना? चलिए, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है आपके लिए. In how many ways word gate can be arranged? 1, 2, 3, 4. 4 है ना? Simple. 4 factorial. That is 4P4 ways. Or 4 letters, you can select 4, 3, 2, 1 in the way, and then you get 24. यहाँ क्या आंसर आएगा? बताओ. गुड. सो हाँ, मतलब ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है, यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. EXAMPLE, यहाँ ई रिपीट हो रहा है ना. सो अगर सारे वर्ड्स अलग होते, जैसे कि हमने आगे किया GATE, सारे लेटर्स अलग है ना. सो हियर यू कैन डायरेक्टली राइट 4 factorial. लेकिन एज बिकॉज यहाँ पे 2 letters रिपीट हो रहा है, EXAMPLE, सो 7 factorial तो आएगा, लेकिन डिवाइड बाई 2 factorial आएगा. ये डिविजन क्या होता है? नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स. ठीक है, याद रखना इसे. नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स, समथिंग लाइक दिस. बताओ इसका आंसर क्या आएगा फिर? ऑप्शंस भी बड़े बड़े दिए हैं. यू कैन यूज कैलकुलेटर इफ रिक्वायर्ड.
कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कितने लेटर्स आएंगे ऊपर, ऊपर का फैक्टोरियल कितना आया, 12, करेक्ट, 12 लेटर्स है ना. लेकिन नीचे इफ यू सी ओ इज रिपीटिंग ट्वाइस सो 2 फैक्टोरियल, एन इज रिपीटिंग ट्वाइस तो अगेन 2 फैक्टोरियल, टी इज रिपीटिंग थ्राइस सो 3 फैक्टोरियल, एंड आई इज रिपीटिंग ट्वाइस सो अगेन 2 फैक्टोरियल. When you simply solve this, you get 9979200. Is it understandable? Haan ya na? Everyone, come on, respond me. Yes? Wrong answer. Excellent. Rutuj correct. Deven correct. Correct answer is this, because the word is rearranged. छोटी छोटी चीजें एप्टीट्यूड में बहुत मैटर करती है, ध्यान से देखना. दे डोंट वांट यू टू कैलकुलेट फ्यू थिंग्स, दे वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई योर लॉजिक, है ना. यू हैव टू हैव योर प्रेजेंस ऑफ माइंड देयर. इन हाउ मेनी वेज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रीअरेंज्ड? यार एक तरीके से तो वो अरेंज ही है. टोटल इतने तरीके आते हैं, 9979200, इतने जो तरीके है ना, 99,79,200, उसमें से एक तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरीके से उसने ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, ठीक है. बाकी सारे तरीके पूछ रहा है वो, दैट इज वन लेस. ठीक है, चलिए. ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एक अच्छे क्वेश्चन पे जाते हैं. हाँ, दिस इज गुड एग्जांपल, बताओ क्या आएगा. सोचना, जल्दी करने की जरूरत नहीं है. अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो मैं यहां डी में नन की जगह 24 रख देता हूं. अब बताओ क्या आएगा आंसर. ओके, ठीक है, करेक्ट. हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड फ्रॉम 4 डिफरेंट कलर फ्लैग्स टेकिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स एट अ टाइम. लुक, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स एट अ टाइम का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्व दिस, मैं 4 में से 4 फ्लैग ले सकता हूं, सॉरी, मैं 4 में से 4 फ्लैग ले सकता हूं, 4 में से 3 फ्लैग ले सकता हूं, 4 में से 2 फ्लैग ले सकता हूं, या 4 में से 1 फ्लैग ले सकता हूं. ईच एंड एवरी सिग्नल वुड बी डिफरेंट. नाउ व्हाइल आई टेक 4 में से 4 फ्लैग, I will use P, YP, because अगर मैं रेड ब्लू ग्रीन येलो एक ऐसा मैं फ्लैग ऐसा एक सिग्नल बनाता हूं, या येलो ब्लू ग्रीन रेड ऐसा एक सिग्नल बनाता हूं, कलर ही डिफरेंट है ना, RBGY YBGR, तो दिस इज अ डिफरेंट सिग्नल ऑल टूगेदर. सो यहाँ पे अरेंजमेंट डज मैटर, सो यू विल हैव टू यूज P हियर. 4P4 प्लस 4P3 प्लस 4P2 प्लस 4P1. सर प्लस क्यों आया? यू कैन यूज 4 फ्लैग्स आउट ऑफ 4 फ्लैग्स, और यू कैन यूज 3 फ्लैग्स आउट ऑफ 4 फ्लैग्स, 2 फ्लैग्स आउट ऑफ 4 फ्लैग्स, 1 फ्लैग आउट ऑफ 4. द आंसर इज 64. ओके. So is my voice completely audible, guys? Can you confirm that?
इट इज परफेक्टली ऑडिबल टू अदर्स. ठीक है, चलिए. हाँ, कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ आता है, जस्ट लेट मी नो, डोंट वरी, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. हाँ, देखिए, ऐसे क्वेश्चंस मजा आती है. पैलिंड्रोम, उसका मतलब भी वैसे समझा रखा है उसने कि क्या होता है पैलिंड्रोम. Permutation is for arrangement, combination is for selection. When you arrange few things and it makes a different thing, like A, B and B, A are two different things, this calls you for permutation use. Whereas A, B and B, A are not different, let's say, this calls you for combination. How? डोंट वरी, मैं इस क्वेश्चन के लिए ये नहीं करवा रहा हूँ. किसी ने डाउट पूछा है तो उसका डाउट सॉल्व कर रहा हूँ. सो एवरी वन प्लीज कंटिन्यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लेट्स से इफ आई से दैट आई हैव टू थिंग्स एंड आई हैव टू पुट देम इन अ बॉक्स, बॉक्स नंबर वन, बॉक्स नंबर टू. सो आई कैन पुट ए इन वन बॉक्स, बी इन टू बॉक्स, और आई कैन पुट बी इन वन बॉक्स, ए इन सेकेंड बॉक्स. दिस इज डिफरेंट थिंग, राइट? Here it will be permutation. But what if I say I have two things and I just have to put in one box? So AB or BA doesn't matter, right? It's only one box. Ultimately, to jaake mix hone wale. So this calls you for combination. I hope I am clear. Okay. Now let's come to the point. I mean, come to this question solution. How many six-digit palindromes are there which are even? That's great. Six digit palindrome. First of all, I'll draw those six digits. हाँ जी सर, draw कर ले पहले तो. उसमें भी even चाहिए, समझना बात को. So this number can be 0, 2, 4, 6, 8, right? लेकिन ये zero नहीं हो सकता. बात समझना क्यों? Because palindrome का मतलब ये होता है कि उसको इस तरफ से पढ़ो या इस तरफ से पढ़ो, इट विल बी सेम. वैसे नंबर्स को हम, मान लो मैं यहां जीरो रखता हूं तो यहां भी जीरो रखना पड़ेगा. एंड दैट मींस दिस विल बी अ फाइव डिजिट नंबर. इसीलिए इजीली अंडरस्टैंडेबल, समझना बात को. आई कैन नॉट टेक जीरो. ओके, अब सुनाई दे रहा है क्या अच्छे से? इज इट बेटर नाउ? नो, स्टिल नो, स्टिल सम डिस्टर्बेंस. ओके, अच्छा अब ठीक है क्या? अभी भी प्रॉब्लम है? नाउ गुड, राइट? चलिए, ग्रेट.
ठीक है. सो हाँ, हम लोग थे पेलिंड्रोम्स पे. तो पेलिंड्रोम वैसा होता है जो यहाँ से भी सेम होता है, यहाँ से भी सेम होता है. हमें चाहिए इवन पेलिंड्रोम. इवन पेलिंड्रोम का मतलब है आई कैन यूज दिस डिजिट मस्ट बी इवन, राइट. इवन मतलब 0, 2, 4, 6, 8, लेकिन जीरो में यूज नहीं कर सकता, बिकॉज अगर यहाँ जीरो आया तो क्योंकि वो यहाँ से भी सेम होता है, मुझे यहाँ भी जीरो रखना पड़ेगा. इफ आई पुट जीरो हियर, इट विल बी अ 5-digit नंबर. आई होप यू अंडरस्टूड के 5-digit नंबर नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन दैट यू हैव टू पुट अ 6-digit नंबर. ठीक है, अब समझना बात को. तो यहाँ पे मुद्दा ये रह जाता है कि सर यहाँ पे आप 0, 2, 4, 6, 8 की जगह सिर्फ 2, 4, 6, 8 ले सकते हो. परफेक्ट, कोई बात नहीं. मतलब मैं यहाँ पे 4 digit ले सकता हूँ. बट हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव फॉर दिस डिजिट? सर पूरे के पूरे 10 जो चाहे ले लो, दैट इज 0 to 9. हाउ मेनी फॉर दिस? सर पूरे के पूरे 10, दैट इज 0 to 9. नाउ वन थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व, एवरीवन प्लीज फोकस, वन थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व इज दैट यू माइट कंटिन्यू टेकिंग दिस एज वेल, बट दिस विल बी रॉन्ग. वाई सो? टू मेक अ पेलिंड्रोम, यहां पे जो आपने नंबर लिया वही नंबर आपको यहां लेना पड़ेगा. व्हाट डज दैट मीन? यू डू नॉट हैव अ चॉइस ऑफ सिलेक्शन. हियर यू हैव, लेट्स से यू कैन टेक 0 to 9. आई मीन इफ आई टेक 6, देन आई हैव टू टेक 6 हियर. सो हियर फॉर दिस पॉइंट आई डू नॉट हैव अ चॉइस. सिमिलरली दिस विल बी सेम एज दिस एंड दिस विल बी सेम एज दिस, दिस विल बी सेम एज दिस. ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? We do not have choice for those numbers. So, अगर ये 6 digit है, तो यहाँ पे I have choice for 4, here for 10, here for 10, and then finally 1, 1, and 1, because these are the same digits which I select here, here, and here. Am I clear? Yes or no? And hence you will have only 400 even palindromes, 6-digit even palindromes I get. ठीक है, चलिए. सो परम्यूटेशन इज दिस. डिक्शनरी का एक अच्छा क्वेश्चन होता है, ये ट्राई करते हैं. यू नो डिक्शनरी, राइट? डिक्शनरी में क्या होगा दैट पहले ए से वर्ड्स होंगे, फिर बी से होंगे, फिर सी से होंगे. मान लो सी से ज्यादा वर्ड्स है. सो अगर सी से वर्ड है, सी ए टी कैट नाम का भी एक वर्ड है और एक चॉइस नाम का भी एक वर्ड है, और लेट्स से C-E-A-T नाम का भी एक वर्ड है. सो दीस थ्री विल बी अरेंज लाइक दिस, C-A-T, देन C-E-A-T, एंड देन C-H-O-I-C-E. सो दिस इज द डिक्शनरी वे. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डिक्शनरी वे इज, राइट? सो अगर इनको डिक्शनरी में अरेंज करते हैं हम लोग, अगर मैं हनी वर्ड को डिक्शनरी में अरेंज करता हूं, या फिर हनी से बनने वाले सारे कॉम्बिनेशन को अगर मैं डिक्शनरी में अरेंज करता हूं, तो कौन से नंबर पे हनी खुद आएगा? हाँ, तो हनी वर्ड के लिए कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि हनी से बनने वाले सारे वर्ड्स में सबसे पहले तो ई आएगा ना,
डोंट यू थिंक दिस? उसके बाद एच आएगा. अच्छा, एच में भी पहले एच ई आएगा, फिर एच एन आएगा, फिर एच ओ आएगा. उसमें भी पहले एच ओ ई आएगा, फिर एच ओ एन आएगा, फिर एच सॉरी फिर एच ओ हाँ फिर सही है. ठीक है ना, ऐसे ही रेंज में जाएंगे हम लोग. सो ई से बनने वाले सारे वर्ड्स कितने होंगे? अब ई तो मैंने रख दिया, सो आई हैव नाउ 1, 2, 3, 4 स्पेसेस वेकेंट विच कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज. एच ई रख दिया, आई हैव 3 स्पेसेस वेकेंट, आई कैन इट कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज. एच एन रख दिया, इट कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज. लॉजिकली सोचो ना, ये सारे जो वर्ड्स बन रहे हैं इसमें से, ऑल दीज वर्ड विल बी बिफोर हनी, है ना, वो हनी के ऊपर आएंगे. क्यों? क्योंकि वो डिक्शनरी ऑर्डर में उसके ऊपर ही है, हमें ये सब वर्ड्स ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन हम पक्का कह सकते हैं कि 24, 6 and 6 दिस 36 वर्ड्स विल बी अबव हनी, राइट? ठीक है, अब क्या आएगा? एच ओ, लेकिन एच ओ में भी पहले एच ओ के बाद ई, सो 2 स्पेसेस स्टिल वैकेंट, दैट इज 2 फैक्टोरियल. नाउ एच ओ एन, उसके बाद ई एंड वाई, परफेक्ट. सो आई गेस दिस इज 38 एंड 39th word is your honey. Because उतने letters है ना, अगर मैंने E यहां use किया तो मैं H O N Y यहां पे यूज करके अंदर अंदर इनको अरेंज करके 24 वर्ड्स बना सकता हूं. इसलिए आई गेस दिस इज द बेस्ट वन. ठीक है, चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. Okay, I'm stopping the share. Just a moment. I'll share one more thing again. Chaliye, I hope you can hear me and you can see the slide as well. So selection होता है, combination ये तो हमें पता ही है. एकदम simply अगर मैं question पूछूं कि 10 में से किन्हीं 3 लोगों को अगर select कर रहा है trip के लिए, तो कितनी तरीके से select हो पाएंगे? 10C3. Now always try to understand here that why we use C here. Why we use C here? Because अगर 10 में से किन्हीं 3 लोगों को एक trip के लिए select करना है, नाउ ट्रिप में अगर ए बी और सी सिलेक्ट हुए, या सी बी और ए सिलेक्ट हुए, या बी सी ए सिलेक्ट हुए, इट डजंट मैटर. बेसिकली तो वो लोग कहां जा रहे हैं? एक ट्रिप पे जा रहे हैं. सो ऑर्डर डजंट मैटर. सो ऑल द सिनेरियोस वेयर ऑर्डर डजंट मैटर, राइट, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, यानी कि ओनली सिलेक्शन 10 में से 3 लोगों का सिलेक्शन. अंडरस्टैंडेबल? यस. और उसका सोल्यूशन भी आपको आता है. दिस इज ऑल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ combination. You can read this. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो ये प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है? समथिंग लाइक दिस.
यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी हाउ दिस इज यूजफुल. अगर 10C7 ढूंढना है तो शॉर्टकट से इतना लंबा होगा, बट 10C3 वैसा का वैसा होता है. ठीक है, फिलहाल इस प्रॉपर्टी की कम जरूरत है. लेट्स ट्राई टू सिंपली अंडरस्टैंड फ्यू एग्जाम्पल्स. अगर ये ऐसा मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो बताओ आंसर क्या आएगा. फ्रॉम 8 boys and 5 girls, हाउ मेनी टीम्स ऑफ 8 members कैन बी फॉर्म सच दैट नो कंडीशन. कोई कंडीशन नहीं है, बिंदास जैसी टीम बनानी है वैसा बनाओ. देर आर एग्जैक्टली 5 boys. तो दो क्वेश्चन है आपके सामने, बताओ क्या आएंगे आंसर्स. बहुत सिंपल राइट. नो कंडीशन के लिए तो सिंपल सी बात है, बॉयज एंड गर्ल्स में हमें कोई भी डिफरेंस रखने की जरूरत नहीं है. ऐसा सिंपली सोच सकते हो 13 लोग है, उसमें से 8 की टीम बनानी है. टीम बनाना इज ऑलवेज अ सिलेक्शन प्रोसेस, सो यू कैन सिंपली राइट 13C8. हाउ अबाउट सेकेंड वन सर. देर आर एग्जैक्टली 5 boys. इसका मतलब समझना, 8 में से 5 boys को तो सिलेक्ट करना ही है, बट द टीम इज येट नॉट फॉर्म बिकॉज टीम इज टू बी ऑफ 8 members. यहाँ पे तो सिर्फ 5 सिलेक्ट हुए. इसका मतलब क्या आएगा, 8C5 एंड अभी भी 3 सिलेक्ट करना बाकी है, दैट इज 5C3. एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन. क्यों प्रोडक्ट आया ये समझना, बिकॉज इतना करने से हमारी टीम बनी नहीं, अभी भी हमारा टीम बनना बाकी है. That will be done after we select the girls. Next example. There are at least 4 girls. Kya aega? देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, है ना. कम से कम मतलब 4 चाहिए या 4 से ज्यादा चाहिए. एटलीस्ट 4 girls. अब समझना, एटलीस्ट के लिए आप कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो, लेस देन या ग्रेटर देन, व्हाट डू यू थिंक. एटलीस्ट का ऑपरेटर क्या है, लेस देन या ग्रेटर देन, आई मीन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू. वेरी गुड, है ना. हमेशा याद रखना एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 4. मतलब गर्ल्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या 4 हो या 4 से ज्यादा हो. ठीक है, सो पहला कंडीशन में वो लेता हूं जिसमें 4 लड़कियां है, दैट इज 5C4. एंड कितने लड़के लेंगे हम उस केस में, 4 और 5C5 एंड 8C3 और कुछ बचेगा ही नहीं. आप 5C6 थोड़ी कर सकते हो, 5 में से 6 लड़कियां सिलेक्ट नहीं हो सकती. दैट मींस पहले का आंसर है ये करेक्ट. देर आर एटमोस्ट 2 girls. एटमोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू 2, मतलब गर्ल्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2. इन दैट केस कौन से ऑप्शन आ जाएंगे, गर्ल्स 2 boys 6 और गर्ल्स 1 boys 7. और कोई ऑप्शन आएगा क्या. वेरी गुड, गर्ल्स 0 boys 8, है ना. ये ऑप्शन को भूल मत जाना, है ना. चलिए नेक्स्ट,
There are at least three boys and at least three girls. Similar example, bowler, batsman, wicket keeper से related है. Applications में अगर हम जाएंगे तो simple application is first is handshake. मतलब पार्टी में अगर 10 लोग है, समझना बात को, अगर पार्टी में 10 लोग है और सब लोग एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं ना, ये सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितने हैंडशेक्स होंगे? अच्छा, इसको आप कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन में कैसे डाल सकते हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड, 10 लोगों है, मुझे हाथ मिलाने के लिए 2 लोग चाहिए. आई कैन सिलेक्ट इन 10C 2 वेज, सिंपल. I can select in 10C 2 ways. Hence, we can simply say there will be total 45 handshakes. This is your first application, handshake, while using your C. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. Number of lines through point. अगर मैं ऐसा कहता हूं कि there are 5 points, out of which no 3 are collinear. Collinear का मतलब समझते हो? अगर मैं 2 पॉइंट ड्रॉ करता हूं तो डेफिनेटली उसमें से 1 लाइन हम ड्रॉ कर पाएंगे, ओनली 1 लाइन. ठीक है, लेकिन अगर तीसरा पॉइंट भी उसी लाइन पे आ गया तो इन 3 पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर. अच्छा, कोई भी 2 पॉइंट्स तो कोलिनियर हो ही सकते हैं, होते ही है. ठीक है, सो लॉजिकली एक और चीज ज्योमेट्रिकली समझना, एक पॉइंट में से यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस, 2 पॉइंट्स में से यू कैन ड्रॉ 1 लाइन. ठीक है, लेकिन अगर तीसरा भी उसके साथ आ गया देन दैट दोस आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, नेक्स्ट. अब क्या पूछा है? 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स में से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. अगर कोई भी कोलिनियर नहीं है तो अगेन लॉजिकली थिंकिंग यू विल बी एबल टू ड्रॉ 5C 2 लाइन्स. अभी अभी सर आपने बताया ना कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, सो लॉजिकली थिंक लाइक दिस, आई हैव 5 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है एज यू कैन ऑब्जर्व. ठीक है, अब मैं इसमें से कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकता हूँ? ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करके एक कर ली, ये 2 पॉइंट सिलेक्ट करके एक कर ली. अच्छा चलो, ये वाली ड्रॉ रिमूव कर देता हूं ताकि हमारा थोड़ा दिमाग ठीक से चले. ये दोनों पॉइंट्स, फिर ये दोनों पॉइंट्स, फिर ये दोनों पॉइंट्स, फिर ये दोनों पॉइंट्स, मतलब एक के साथ 1, 2, 3 और 4 आ गया. ठीक है, अब इस पॉइंट की बात करता हूं. अच्छा, इसके साथ मैं ये तो ड्रॉ कर चुका, मतलब ये काउंट नहीं करूंगा. I can draw this, I can draw this, I can draw this, something like this. ठीक है ना? So ऐसे जब आप अलग अलग लाइन ड्रॉ करते हो, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? यू आर सिलेक्टिंग एनी 2 पॉइंट्स आउट ऑफ गिवन 5 पॉइंट्स. दैट इज 5C2, टोटल यू विल बी एबल टू ड्रॉ 10 लाइन्स. एम आई क्लियर? अ क्विक रिस्पॉन्स, येस और नो? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, No points were collinear, hence you were able to draw. लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, how many straight lines pass through 2 points drawn from given below arrangements if as shown points कौन से 5, 6, 7, 8 are collinear? इस केस में आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर पाएंगे? हाँ, तो यहां पे आप ऐसा सोच सकते हो दैट, समझना बात को, कि सर 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट में से मैं 10C2 लाइंस ड्रॉ कर पाता,
लेकिन लेकिन वन टू थ्री एंड फोर इन चार पॉइंट्स में से मैं लाइंस ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा बिकॉज दे आर कोलिनियर सीधी बात है ना, इसलिए सो समझना बात को, दैट टोटल आई कुड हैव ड्रॉन 10 सी टू लाइंस, लेकिन माइनस 4 सी टू लाइंस माइनस करनी पड़ेगी मुझे, 4 सी टू क्यों, इन चार पॉइंट्स में से हो सके ड्रॉ हो सके वैसे लाइन चाहिए, लेकिन प्लस वन भी करूंगा, क्यों, क्योंकि एक लाइन तो ड्रॉ कर पाऊंगा ना सर, आपने तो सारी लाइन माइनस कर दी, एक लाइन तो आप बिल्कुल ड्रॉ कर पाएंगे ना, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कोलिनियर। सो दिस इज लाइक आई गेस 45 माइनस 6 प्लस 1, सो दैट्स 40 आंसर आ रहा है शायद। फोर सी टू, हाँ मतलब ये चार पॉइंट्स है ना, इन चार पॉइंट्स में से आप जितनी लाइन ड्रॉ कर पाते, अच्छा मान लो, अच्छा ऐसा समझो कि ये जो सिक्स पॉइंट है ना वो यहाँ ऊपर होता, यहाँ पे नहीं है वो, तो मैं फाइव और सिक्स में से एक लाइन ड्रॉ कर पाता, फाइव और सेवन में से भी कर पाता, और ये जो एट पॉइंट है वो थोड़ा नीचे होता, यहाँ पे नहीं है ऐसा मान लो, सो फाइव और एट में से भी कर पाता, मतलब ये तीन अलग अलग लाइन हुई, एक दो तीन अलग अलग लाइन हुई, बट क्योंकि वो कोलिनियर है मैं उनमें से एक ही लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा, जो अलग अलग लाइंस थी वो तो बनी नहीं उसमें से, इसलिए इन चार पॉइंट्स में से होने वाली जितनी भी लाइंस हैं उनको मुझे माइनस करना पड़ेगा, दैट इज एट सिक्स लाइंस, ठीक है, एक ऐड इसलिए कर रहा हूं बिकॉज एक लाइन तो ड्रॉ कर पाऊंगा ना, ठीक, चलिए आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में C3 करना होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें, ठीक है, अगेन सिमिलर एग्जांपल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ क्या आएगा, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स डू वी सी हियर इन दिस फिगर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, हाँ वैसे ही आया जूही, एग्जैक्टली करेक्ट, भव्य, नीरज, देवेन करेक्ट बाय द वे, भव्य एंड नीरज वेल ट्राइड, गुरुराज रॉन्ग, सक्षम रॉन्ग, हर्ष अरे बाप रे, यू कैन सिंपली गेट मी द आंसर, यू डोंट हैव टू यूज सी एंड पी इन दिस फिगर, सुमित रॉन्ग, अमंथन करेक्ट, कथन रॉन्ग, सिड रॉन्ग, गुरुराज रॉन्ग, सर वी नीड टू टेल हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, बात समझना, एक रेक्टेंगल बनाने के लिए, छोड़ दो आंसर देना बंद कर दो, सब गलत आंसर दिए जा रहे हो, प्राची करेक्ट बाय द वे, ठीक है, देखो आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाने के लिए यू नीड टू वर्टिकल लाइंस एंड टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, तभी आपका एक रेक्टेंगल बनेगा, सीधी बात है, डन, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इफ आई सिलेक्ट दिस वर्टिकल लाइन एंड दिस वर्टिकल लाइन एंड इफ आई सिलेक्ट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक रेक्टेंगल बना, बट व्हाट इफ आई सिलेक्ट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरा रेक्टेंगल बना, एंड एट द सेम टाइम ऐसे कर करके अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो ये एक दो तीन चार रेक्टेंगल तो आपको दिख ही रहा है, ऐसा मत बोलना कि सॉरी तो स्क्वायर्स है, नहीं, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, ठीक है, अच्छा ये भी एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये भी एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है, और चार रेक्टेंगल दिख गए आपको, और ये सबसे बड़ा तो है ही अनडाउटेडली, सो लॉजिकली थिंकिंग वन क्रॉस वन के चार रेक्टेंगल्स, वन टू थ्री फोर, टू क्रॉस वन के चार रेक्टेंगल्स, एक दो तीन चार, और टू क्रॉस टू का एक रेक्टेंगल सबसे बड़ा, टोटल नाइन रेक्टेंगल्स भी है, बट वॉट इफ द क्वेश्चन फिगर इज लाइक दिस, अब तो फंस जाओगे ना, जिस तरह से ये मैंने कैलकुलेट किया है वैसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सीधी बात है, फंस जाएंगे हम, अब क्या करें बताओ,
कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? अभी अभी हमने जो लॉजिक लगाया वही, टू मेक अ रेक्टेंगल व्हाट डू आई नीड, सिंपल, टू मेक अ रेक्टेंगल व्हाट डू आई नीड, टू हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड टू वर्टिकल लाइंस. हाउ मेनी वर्टिकल लाइंस डू आई हैव हियर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 10 vertical lines I have. Out of those 10 lines, I have to select any two lines. And still, the rectangle is not made until you select horizontal lines as well. And how many horizontal lines do I have? You observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6C2. This is the way you can easily solve this question and get your answer as 675. You can write down the answer. Yes, that's what you have to do. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Number of diagonals. Simple example से start करते हैं. How many diagonals does an octagon have? You know octagon? What is an octagon? 8 sides. So how many diagonals does an octagon have? इसमें small boxes कैसे include हो गए? सारी हॉरिजॉन्टल और सारी वर्टिकल लाइंस का हमने ऑप्शन ले लिया, समझो बात को. मतलब इफ आई सिलेक्ट ऑल कंसेक्यूटिव हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइंस, तो सारे छोटे छोटे बॉक्सेस बनेंगे ना जयेश? टेन सी टू को कैसे सॉल्व करें? 10 × 9/2, सिंपल. How many diagonals does an octagon have? Fifteen, okay. Twenty, okay. Twenty-eight, okay. Twenty-five, okay. Can't count at different vertices. Perfect. ठीक है. So, अगर एक ऑक्टागॉन की बात करूं तो कुछ ऐसे होगा ना. ऑक्टागॉन, इफ यू ऑब्जर्व, इट हैज 8 पॉइंट्स और 8 साइड्स. 8 पॉइंट्स मतलब 8 साइड्स, ठीक है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. अब सीधी बात है ना, जब मैं 8C2 करता हूं, व्हाट डज दैट मीन? आई एम सिलेक्टिंग एनी टू पॉइंट्स और गेसिंग. अगर 8C2 किया मतलब तो सारे ही पॉइंट कंसिडर कर लिए, जितनी भी लाइंस बन पाएगी वो सारी मैंने यहां पे कंसिडर कर ली, इंक्लूडिंग दीज वंस एज वेल. ठीक है ना? सो इसका मतलब क्या हुआ? 8C2, दैट इज 8C2 विल गिव मी ऑल द लाइंस, लेकिन उसमें से 8 तो साइड्स होगी ना, करेक्ट. सो दैट इज 28 - 8, दैट इज 20. हाँ, कुछ लोगों के पास ये फॉर्मूला भी होता है. ये फॉर्मूला कोई जादू नहीं है, वो ऐसे ही आया है, NC2 - N करके आया है, where NC2 is nothing but N × N-1/2 - N. When you solve this, you get this. ठीक है, छोटे बच्चों वाला एग्जाम्पल है. हाँ, ये अच्छा है. जितनी बार हम सबवे जाते हैं ना, वी ऑब्जर्व दीज काइंड ऑफ थिंग्स. मैं जितनी बार सबवे जाता हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, कौन सा सॉस डाले, कौन सी पैटी ले, कौन सा ब्रेड ले, है ना? तो उसी के बेस पे यहाँ पे एक सीधा क्वेश्चन है आपके सामने. ट्राई टू सॉल्व दैट, कम ऑन. कंटिन्यू सॉल्विंग. अगेन मैं डायगोनल का किसी को डाउट है तो मैं समझाता हूँ. अगर एन साइडेड पॉलीगॉन है तो NC2 करेंगे तो सारी साइड्स बनेगी. यानी कि मान लो एक पेंटागॉन है तो NC2 मतलब सारी साइड्स, 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉइंट से ये पॉइंट, 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 सारी साइड्स आ जाएगी.
5C2 टोटल 10 साइड आ गई। हाँ लेकिन उसमें से डायगनल तो पांच ही है ना, पांच तो साइड्स है, पेंटागन की साइड पांच होती है, सो इट इज लाइक NC2 - N। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, यस। सो कुछ ऐसा सोच सकते हैं ना आप लोग कि सर कि टोटल छह टाइप के ब्रेड मिल रहे हैं ना, तो मुझे एक ही ब्रेड लेना है, ठीक है, तो सिक्स में से कोई एक ब्रेड सिलेक्ट किया, एंड अभी बर्गर थोड़ी बन गया, आगे बढ़ेंगे ना, सो एंड पांच टाइप्स के पैटी में से कोई एक पैटी सिलेक्ट किया, एंड आठ टाइप के सॉसेस है, सो अब मैंने हो सकता है कि मैं बोलूंगा कि भाई एक काम करो, सिर्फ मेरे को मायोनीज डाल दो, और आई कैन से एक काम करो मायोनीज डालो और चिली डालो, रेड चिली, और आई कैन से सर मायोनीज डालो और हनी मस्टर्ड डालो, और सर मायोनीज डालो और मिंट मायोनीज डालो, मतलब ये तो डालो और दो डालो और तीन डालो और चार डालो। वैसे मैं कितने तक कह सकता हूँ, 8C8, मैं हर बार यही करता हूँ बाय द वे, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं बोलता था सब सॉस डाल दो मेरे में, है ना, तो ऐसे कर सकते हो आप, राइट। सो दिस इज आंसर सी, अंडरस्टैंडेबल, यस और नो एवरीवन, यस क्लियर, रॉन्ग। दर्शन करेक्ट क्वेश्चन, अगर मान लो मेरे से एकदम उल्टा बंदा वहां पे गया और उसने ऐसा बोला कि मेरे को सिक्स टाइप की ब्रेड्स है ना, उसमें से एक चूज की, पांच टाइप्स की पैटी में से एक चूज की, और एक भी सॉस नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सिर्फ पैटी और ब्रेड खाऊंगा, हो सकता है ना, सिर्फ चीज डाला हुआ है उसने, चीज और पैटी खा लिया मैंने, लाइक अ मैकडॉनल्ड्स बर्गर और समथिंग लाइक अ नॉर्मल बर्गर, rather than putting any sauces in that, एक भी सॉस नहीं लिया, तो वो वाला ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, हाँ तो पहले क्यों नहीं देते आप ऐसा आंसर, करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाउ, समझना बात को, ये 2 raised to 8 है ना, दिस इज नथिंग बट स्टार्टिंग फ्रॉम 8C0 8C1, 8C2 and so on, 8C8. ये सारे का एडिशन बेसिकली 2 raised to 8 होता है। यू कैन चेक फॉर अ स्मॉलर नंबर, हम ट्राई करके देखते हैं, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 and 4C4. This is 1, this is 4. This is 6, this is 4, this is 1. Total karo kitna aaya? 16, which is nothing but 2 raised to 4. And this is true for any number that when you start from NC0, NC2, sorry, NC1, NC2 up to NCN, in sabka total would always be 2 raised to N.
ठीक है, इसीलिए इसको 2:8। तो लेकिन यहाँ पे 8c0 नहीं है ना, इसलिए गलत है। ये पूरा आंसर वैसे सही है, लेकिन इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 आएगा प्लस 1, इसमें 8c0 नहीं है ना, बट दिस इंक्लूड 8c0 एज वेल। हाँ, तो एनी नंबर ऑफ सॉसेस मतलब क्या हुआ, 0 एज वेल, 0 to 8, एनी सॉस, एनी नंबर ऑफ सॉसेस। हाँ एग्जैक्टली, देखो इसको आप एक और तरीके से सोच सकते हो, समझना, एकदम प्रैक्टिकल तरीका से समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मेरे सामने ना ऐसे ब्रेड्स पड़ी होती है, पता है कौन सी, मल्टीग्रेन, पैमर्सन ऑरेगानो वगैरह वगैरह ब्रेड पड़ी होती है, ठीक है। उसमें से मैंने कोई भी एक ब्रेड सिलेक्ट करनी है, जैसे ही मैं ब्रेड्स के सामने जाता हूँ, आई हैव 6 options, फिर मैं पैटीज के सामने जाता हूँ, ठीक है, तो आई हैव 5 options। अब आपको याद होगा ऐसे सॉस की बॉटल्स पड़ी होती है, राइट, अगर कोई सब्वे फ्रीक्वेंटली विजिट करता है तो, ठीक है। अब वो बंदा जो बना रहा होता है वो क्या करता है, एक सॉस की बॉटल उठा के आपको पूछता है, डू यू नीड दिस सॉस, हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव फॉर दैट क्वेश्चन, यू टेल मी। जो क्वेश्चन उसने पूछा ना कि इस सॉस की बॉटल के लिए आपके पास क्या आपको चाहिए, यस और नो, है ना, बस, तो 2 ही ऑप्शन है ना, एंड दैट 8 times, सो 2:8, ठीक है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, यस, आगे बढ़ते हैं। ग्रिड प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हुए एक अच्छा एग्जांपल करते हैं, दिस इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इन दोनों का आंसर शायद आपको पता है, बिकॉज कल ही हमने डिस्कस किया था, क्या आएगा इन दोनों का आंसर बताओ, कल या डे बिफोर, आई डोंट रिमेम्बर, हाँ शायद कल। तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 के कितने सॉल्यूशंस होंगे, सर इनफाइनाइट। कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, सर इनफाइनाइट। कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा क्या, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, मतलब x और y की वैल्यू आपको कंपलसरी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। नाउ हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव, 6, श्योर, है ना। सो ऑफ कोर्स एक्स प्लस वाई के लिए If you can take 0, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1 and 5, 0. So these are 6 different solutions you have. Simple. ठीक है, ध्यान से पढ़ना, non-negative मतलब positive नहीं होता, क्या होता है, 0 and positive होता है, ठीक है, I hope you understood this. चलिए, now अगर वही पॉइंट मैं इस क्वेश्चन के लिए लेके आ जाऊंगा तो शायद डिफिकल्ट हो जाएगा ना, सोचो क्या करेंगे,
है ना। तो कुछ ऐसा सोच सकते हो कि अगर इसमें मुझे नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस लगे तो मैं इसको ये जीरो कर देता हूँ, देन आई हैव टू ऑप्शंस 0, 12, 1, 11, वैसे करते करते आई हैव 13 सॉल्यूशंस। ऑब्जर्व दिस, देन यहाँ पे इसको मैंने 1 फिक्स कर दिया तो 0, 11, 1, 10 आई हैव 12 सॉल्यूशंस। इन दैट वे आई हैव 13 + 12 + 11 + and so on टोटल 91 सॉल्यूशंस। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए तो मिल गया, लेकिन जब ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो पागल हो जाऊंगा मैं तो। सो फॉर दैट यू विल हैव टू ऑब्जर्व दैट, समझना बात को, दैट द इक्वेशन इज दिस n + r - 1 c r - 1 एंड व्हाट इज दैट, n इज व्हाट, नंबर ऑफ योर कांस्टेंट, नंबर व्हिच इज अ कांस्टेंट, r is what, number of variables, n + r - 1 c r - 1, this is the formula you can use for any solution like this, you see yahan pe hamara answer 91 aa raha tha, we apply this, so 12 + 3 - 1 that is 14, c 3 - 1 that is 2, 14 c 2 that is 14 into 13 upon 2 which is nothing but 91. Again try to understand, yahan pe aapka n kya hai jo constant hota hai, yahan pe aapka r kya hai that is number of variables, theek hai, this is the way you can solve this. समझ आया नहीं आया एवरीवन? है ना, ग्रेट, चल ठीक है। सो दिस इज लाइक एन ओवरव्यू और द क्विक रिवीजन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, आज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं, सो आई विल कॉल इट अ डे हियर, आई विल सॉल्व द डाउट्स। If you don't have any doubt, I hope you enjoyed the session. We'll meet for tomorrow's class. We'll continue with geometry, especially mensuration ke kuch example, and then we'll be going through few examples which are asked in GATE. Again, I told you, isme n aur r kya hai? n is the constant, r is number of variables, यहाँ पे दो है r, यहाँ पे r का value 3 है, यहाँ पे r का value 5 है, सर्कुलर वाले में। हाँ, एक और चीज बता सकता हूँ परम्यूटेशन में, लेट्स से अगर मान लो एक बी सी ये एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और इनको अंदर अंदर अरेंज करना है तो यू कैन डू दैट इन 3 factorial वेज, लेकिन अगर इनको आपको सर्कुलर वे में अरेंज करना है ए बी और सी, देन यू कैन डू देम इन, यू कैन अरेंज देम इन 3 - 1 factorial वेज, दैट इज 2 factorial वेज। अगर मैं लॉजिकली बताऊं तो कुछ ऐसा होगा कि अगर n लोगों को आपको लीनियरली अरेंज करना है, यू कैन अरेंज देम इन n फैक्टोरियल वे, वेयर एज इफ यू वांट टू देम अरेंज इन सर्कुलर वे देन यू कैन अरेंज देम इन n - 1 factorial।
Yes, we'll try to cover geometry in the next class. I mean, definitely, especially mensuration part, I would say. ठीक है, all right. I hope I have solved the doubts. We'll meet in the next class.